भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग की नई रिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी है, जिसमें विदेशी प्लेयर्स को नुकसान पहुंचते नजर आ रहा है। इस स्टोरी में हम जानेंगे आईपीएल के नए सवालों के जवाब। क्या है आईपीएल का रिटेंशन रूल? आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले अब फ्रेंचाइजी टीमें 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं, जिनमें ज्यादा से ज्यादा 5 इंटरनेशनल और 2 अनकैप्ड प्लेयर शामिल हो सकते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन अनकैप्ड खिलाड़ी भारत का ही होना चाहिए। राइट टू मैच कार्ड में क्या बदलाव हुआ? ऑक्शन में राइट टू मैच यानी आरटीएम कार्ड की भी वापसी हुई है। टीम चाहे तो 6 खिलाड़ी ऑक्शन से पहले रिटेन कर ले, या फिर टीमें ऑक्शन में 6 आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर ले। टीमों ने अगर 3 खिलाड़ी रिटेन किए तो उनके पास ऑक्शन में 3 आरटीएम कार्ड ही बचेंगे। इस तरह अगर 4 प्लेयर रिटेन किए तो ऑक्शन में 2 आरटीएम कार्ड बचेंगे। 79 करोड़ में रिटेन कर सकेंगे 6 खिलाड़ी। टीमों की पर्स लिमिट भी अब बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए कर दी गई है। पहले ये 100 करोड़ थी। पहले खिलाड़ी को रिटेन करने पर 18 करोड़, दूसरे खिलाड़ी पर 14 करोड़ और तीसरे खिलाड़ी पर 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर 3 ही खिलाड़ी रिटेन किए तो पर्स में 43 करोड़ रुपए होंगे। विदेशी प्लेयर्स के लिए सख्त हुए नियम। विदेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उन्हें मिनी ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। विदेशियों को 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेंगे। मिनी ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों को सबसे बड़ी रिटेंशन वैल्यू 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम नहीं मिलेगी। या फिर मेगा ऑक्शन में अगर भारतीय खिलाड़ी 16 करोड़ रुपए में बिका तो विदेशी प्लेयर को मिनी ऑक्शन में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे।